कहीं ना कहीं तो रास्ता जाएगा ही भाई। यहाँ पे ये सीढ़ी खत्म होता है, अब ये असली चढ़ाई शुरू। अरे तेरा भाई पहाड़ गिरे गिरे। ओ भाई हमको लघु शंका लगा हुआ है, इनको एक लघु शंका है, पकड़े भी हुए हैं। तेरा भाई ने कहा था कि मैं देवघर जा रहा हूँ पूरा स्वैग लेके फुल, लेकिन भैया अभी तक हम लोग थे भक्ति वाले मूड में, अब आए हैं शक्ति वाले मूड में। डोंट डू बेटा जस्ट चिल। कलाकार भी हम ही हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर आशुतोष झा। वेलकम टू माय सिंगानिया ब्लॉग्स। थैंक यू। भाई साहब निकल चुके हैं हम लोग वासुकी नाथ के लिए, और ये पीछे आप देख सकते हैं मिस्टर प्रकाश झा, मिस्टर राजू द राइडर, अशोक भाई हैं हमारे साथ, नई बिरादरी के लोग हैं, मिल गए। यहाँ पे ऑटो वाले ऐसे करने लगते हैं ना कि कितना लीजिएगा, चलिए चलिए ना भाई, सुनिए तो सुनिए भाई, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, प्लानिंग से चलना पड़ता है। तो ये ब्लॉगर है तो आगे का सीट इम्पोर्टेंट है, आप बैठेंगे क्योंकि यहाँ का रोड जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। जुड़े रहे हमारे साथ, रहे यहीं रहे, कहाँ रहे, कहाँ जाएंगे, और हम लोग अपना लुक दिखाएं क्या? डाला है ऊपर चश्मा एकदम फ्रंट वाइज, मतलब खतरनाक। नीचे देखिए बैग, और ये हम लोग पहने हैं भैया का विचार, मतलब सीन ये है ना कि मतलब जब यहाँ पे हम लोग बालिया में दर्शन किए हैं भैया यहाँ भी करेंगे। हालांकि हम लोग ने बैग अपना एक ले लिया जिसमें सब कुछ ले लिया। भैया वेन यू गो हाई, मतलब पहाड़ पे तो फोटो तो लेना इम्पोर्टेंट है, बस यही सीन है भैया। ठीक है, चलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक बेबी। प्रकाश भैया ठीक है, सुरक्षित है ना? माउंटेन ही माउंटेन। तो भैया फाइनली वी रीच आवर डेस्टिनेशन। ओ अंग्रेजी सही, हमें गलत न ले, हम सही भी बोलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं वासुकीनाथ मंदिर। तो क्या था, चलिए पोखर में, पोखर में चले गए, यहाँ कल भी वैसे नहीं भैया, पोखर में ही धोएंगे, चलिए तब पोखर, या पोखर इज कॉल्ड टू पाउंड इंग्लिश में। और हालांकि ठंड का टाइम है भैया, तो सूरज डूब जाएगा बहुत जल्द, हमें चाहिए भैया टाइम लैप्स जो कि सूरज ढलता हो, सनसेट कभी कभी तो ट्राई करो। तो यहाँ से प्लान है कि यहाँ दर्शन करेंगे, जल्दी निकलेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ खाए पियेंगे। बस मिस्टर प्रकाश हुए यू आर मैन, और इनका लुक देखिए भाई साहब, वी आर गमछा मैन। को गमछा नहीं मालूम है क्या होता है, तो भैया हमारे लैंग्वेज में गमछा ही कहते हैं, आपके लैंग्वेज में टॉवल कहते होंगे अंग्रेजी में, लेकिन हम कहते हैं गमछा, है कि नहीं? अभी इतना हालत खराब हो चुका है हम लोगों का कि भैया क्या बात, अभी अभी तो पर्वत चढ़ना है। ये पोखर है, इस पोखर का भी कुछ रहस्य है, ये हमारे पीछे देखते हैं। फ्रंट कैमरा से सब कुछ कर देता, अरे ऑलराउंडर आदमी है, ज्यादा कुछ नहीं, एडिटिंग में देख लेते हैं हम खुद। ओ पानी है ठंडा, हमारा बैग है, ये हमारा सिग्नेचर बैग है भैया, ऑलवेज मैं तो कैरी करने में थोड़ा मतलब कुछ सामान है, फोन अभी रिकॉर्ड के डाल देंगे डायरेक्ट, आसान है क्या जी? रे भाई हमको लघु शंका लगा हुआ है, इनको एक लघु शंका है, पकड़े भी हुए हैं। ठीक है जी, मिलते हैं फिर, आपको अंदर का सीन दिखाते हैं, अगर शूट तो मंदिर का तो शूट कर ही सकते हैं, लेकिन अंदर में शूट। राजू दराइडर का चश्मा देखिए, मोतिया इनका ऑपरेशन अलग सा है, आपको बताया था, आप इंस्टाग्राम पे जुड़े रहें, इंस्टाग्राम पे सब अपडेट करते रहते हैं कि भैया देवघर जा रहे हैं, मचाएंगे वहाँ पे स्वैग लेके फुल, तो बस वही वही सी स्वैग, सबसे ज्यादा स्वैग मिस्टर प्रकाश। हेलो मैन, हेडफोन है, बड़का एगो बैग, आग लगा देंगे। राजू जी का चश्मा देखिए, अभी इनका देवघर में हम मोतिया इनका ऑपरेशन करवाए हैं, उनके उस उनके बाद इनको चश्मा दिया गया है, लेकिन कबीर सिंह वाला एक भी गुण नहीं है इनमें। ठीक है जी, मिलते हैं अंदर जाते हैं।
रिटायर्ड सब चीजें हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे भी हो गया दर्शन अच्छे से। यहाँ का वाइब्स अच्छा है, मतलब थोड़ा थक भी गए हम लोग सुबह से ही घूम फिर घूम ही रहे हैं समझिए आप। टाइम दो बज रहा है, 2:01 हो रहा है। हम लोग को जाना है त्रिकुट किसी ना, यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ खाए पियेंगे, बगल में होटल। हालांकि हम लोग ने पैक करवा के वहाँ से लाया, क्योंकि खाना भाई यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आजू बाजू में मंदिर के आजू बाजू में खाना नहीं अच्छा मिलता, टावर चौक पे मिलता है देवघर में, वहाँ से हम लोग पैक करवा के लाए थे। ड्रेस भी चेंज करेंगे क्योंकि वी आर गमछाज मैन। ये देखिए अब तो नहीं कटेगा ये, अब हमको कट करने आता ही नहीं है यहाँ से। अब देखें इनका उपद्रव, इनका भी उपद्रव देखें, सबसे ज्यादा हालत खराब इसी का है और हमारा उपद्रव तो आप देख ही रहे हैं। खाने में जो है ये है एक पनीर बटर मसाला, एक दाल तड़का और रोटी, और इधर चावल भी है और वाटर। साला माचिस क्या कर रहा है यहाँ पे भाई साहब, यहाँ का सीन हो चुका है खत्म। ये तकिया कलाम टाइप का नहीं मेरा बन गया तो भाई साहब, ये सीन हो चुका है खत्म। खाना पीना खा लिया है भैया, टाइट से एकदम गर्दन तक ठेका दिए हैं, पानी का बोतल ले लिए हैं, और एक 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 और है कि मतलब ड्रेस भी चेंज कर दिए हैं। ये देखिए तीनों आदमी जींस में, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नीला होगा लेकिन है भाई। ठीक है जी, मिलते हैं, ऑटो वाले हमारे यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जा। चले आए मंदिर में आपका स्वागत है, यहाँ से निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है आपको 2:46 हो रहा है टाइम, ऑटो वाले हमारे चुके हैं, आगे देख सकते हैं। आप जाना है अपने लोग को, त्रिकुट पहाड़, उसके बाद असली सीन वहाँ का, मतलब अभी तक हम लोग थे भक्ति वाले मूड में, अब आएंगे शक्ति वाले मूड में, समझ रहा है। प्रकाश भी अगर शक्ति आप देख सकते हैं कितना आगे चले, ओए लड़का ओए ओए, क्या हो गया तुम्हारा। देखिए भैया सीन ये है कि हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिकुट पहाड़ प्रवेश द्वार, यानी कि गेट पे त्रिकुट पहाड़ के। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये द्वार है, द्वार बोले तो द्वार इज कॉल टू मेन गेट। राइडर ये भी थोड़ा ढीला पड़ रहा है, बैग का जिम्मा इनका है भैया, क्योंकि ये प्लान इन्हीं का था, इन्हीं का था कि भैया जाएंगे तो गमछा पहन के, नॉट टॉवल, इट्स अ गमछा ब्रो। बढ़िया जी, एकदम एक नंबर है, खतरनाक है जी, एकदम पूरा क्या बताऊं, आग लगा देना यहां पे। राजू कहा है कि हमको करवाना है फोटो शूट, हम बोले कपड़ा कौन कौन सा लेके आए, उजर का शॉर्ट, करिकवा पैंट, करिकवा जूता, सर जूता करिकवा पॉइंट, हाँ करिकवा पॉइंट एंड करिकवा क्या बोला था रे जूता को, जूता जूता है, अरे इसका जूता है करिकवा, इसका पैंट भी करिकवा, लेकिन शर्ट है उजला। नहीं राइमिंग नहीं हुआ भाई, रहने दो। अब प्रकाश भैया वो चप्पल आ गया है जो वीडियो में बोले थे, ये चप्पल वहाँ आ चुका है भैया। ओ ये देखिए जी पहाड़ है सामने, ये और ये पहाड़ है, इधर भी है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ बोले तो माउंटेन, माउंटेन बोले तो पर्वत। Just chill out. बचपन से सोचा हूँ मैं आज पल वो जी रहा, कटे फटे हालात को मैं मौसिकी से सी रहा, मैं पी रहा वो जाम जिसमें लफ्ज की अदायगी, जमाने भर के जहन पे असर ये जाम लाएगी, दिखाएगी हुनर से इश्क इश्क की दीवानगी, के जिस्म में लहू के संग है बह रहा से याही भी करूँ मैं असल, लिखूँ मर्ज जो हो बात शायराना, डगर डगर चलूँ मैं ना कोई मेरा ठिकाना, ये आशिकी जो लेखनी से हर किसी पे सचती नहीं, वो चाहता है जिसको रहमतें बरसती, वहीं तरस गई थी आके सोचा वक्त कब मैं लाऊंगा, कदम तो रुक चुके हैं कलम को कब चलाऊंगा, हालात हावी मुझ पे था, हालात से मैं लड़ रहा, हर रोज टूट कर मैं जब तक खुद से ही बिखर रहा, फिकर थी मुझको क्या करूं कि जिस्म पे जफा करूं या भीड़ से निकल के। बहुत निकट पहुंच चुके हैं भैया, लेकिन सीन ये है कि यहाँ पे मंकीज बहुत ज्यादा है, राजू को डर लगा, अब चढ़ने से पहले ही थक चुके हैं, पैदल जाएंगे, ट्रेन भी चलता है लेकिन उससे जाएंगे नहीं।
क्योंकि पहली बात यह है कि चीखे हमको भैया ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, एंड मंकी भैया ऊपर सुनते हैं ये और भी ज्यादा है। ये मार्केट है भाई यहाँ का, ये भी उतना ऊपर जाना भाई, वो देखो ये दिख रहा है, और ये पहला कदम आए हाय। यहाँ पे ये सीढ़ी खत्म होता है, अब ये असली चढ़ाई शुरू। अरे तेरा भाई पहाड़ गिर गए, असली मजा यही है भाई। बचपन से सोचा हूँ मैं आज पल वो जी रहा, कटे फटे हालात को मैं मौसिकी से सी रहा, मैं पी रहा वो जाम जिसमें लफ्ज की अदायगी, जमाने भर के जहन पे असर ये जाम लाएगी, दिखाएगी हुनर से इश्क इश्क की दीवानगी, के जिस्म में लहू के संग बह रहा से याह भी करूँ मैं असल लिखूँ मर्ज है आवाज दिल की कलम से, एहसास दिल की धड़कन से, यकीन अपने जुनून पे। सीन ये है प्रकाश भैया की फट चुकी है पूरी, इतना ही दूर में रिमेन सिन्हा की 5 बज रहा है अभी का, और लिफ्ट में टिकट कट नहीं रहा है, और क्या, और मतलब हमको थक गए भाई, अंधेरा हो जाएगा और रास्ता है देखा हुआ है नहीं हम लोग को, तो ये कुछ हम बोल रहे हैं में आ गए ठीक है, डंडा लिए हैं बंदर सब है उसको मारेंगे। वही सब सीन ये है कि ऊपर अभी हम लोग सबसे ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि लेट हो चुका है, 5:30 हो गया है, आधा घंटा डिस्कशन किए हैं प्रकाश भाई कहाँ जाओगे ऊपर अंधेरा हो जाएगा खो जाओगे, तो अब हम लोग सोचे हैं कि इस पे चढ़ेंगे यहाँ पे और वो बैकग्राउंड पे वो पिकाएगा, आधा घंटा ट्रैक किए ना भाई ऊपर है भाई, यहाँ देखते है ना फिर दिक्कत होता, और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊपर। तो भैया सीधी बात, हमको है हाइट का फोबिया, और यहाँ क्या सीन है भाई, ये सीन के लिए आपको बोल रहे थे कि कम से कम और ऊपर चलिए, ये इंसान यहीं से चलो अंधेरा हो जाएगा कोई शेर खा गया बंदर खा गया, यहाँ तक लेके आए हैं, लोकेशन आप देखिए पहाड़ी पहाड़ जंगल ही जंगल, ठीक है फोटो शूट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक बेबी अगेन। कनक से यही और कलम से मैं पैगाम लिखूं, जो आए सामने मैं पन्नों पे इंतकाम लिखूं, दिखूंगा कल मुझे आज इसकी परवाह नहीं, गैप की खबर रखे रब कल पे लड़ता नहीं, डरता बस उसी से दूजा किसी से पड़ता नहीं, फर्क की बात करते करवटे बदलते यही पीठ पीछे भाई ये तो सीमा सारे तोड़ देंगे, जमाने से कह दो जो भी लिखूं ये झंझोड़ देंगे, है आगाज तन मन समर्पण है गवाह सुन लो तुम धड़कन, चार दिन की मिलती। इन तक नहीं पहुंच पाए लेकिन ये नजारे के लिए हम लोग आए यहाँ पे पिकविक के लिए, हालांकि कल ट्राई करेंगे, कल हो सकता है तो आएंगे। फोटो सेशन हुआ है यहाँ पे, कुछ कुछ फोटो आपको जो इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, हालांकि हमारा आवाज़ कम हो जा रहा है लेकिन फिर धीरे से वॉल्यूम बढ़ चुका है क्योंकि भैया ब्लॉग में थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है वीडियो में, नहीं तो फिर बोलोगे कि अरे माइक ठीक करो आवाज़ नहीं आ रहा, दिस डैट व्हाट व्हाई वेयर ये सब लगाते हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे फोटो शूट हुआ। प्रकाश भैया का एक नंबर खतरनाक खतरनाक फोटो आया, राजीव जी का भी एकदम खतरनाक खतरनाक फोटो आया, और हमारा यानी कि मैं अच्छा फोटो आया, तो एक एक दो पिक तो जाएगा, तो भैया इंस्टाग्राम पे फॉलो करना अनिवार्य है। राजू जी एक बात बोले भाई, राजू फ्री में टीका लगवा लिया है, हम लोग नहीं लगवाए हैं, इसको लगा दिए हैं पंडित जी, उसका बोलते हैं कि कुछ दक्षिणा दीजिए तो बोलता नहीं हम तो गमछा में कुछ नहीं हमारे पास। अरे पता यहाँ बात भी चाट चाट रहा है कि किसका जूता कितना गमक रहा है, तो भाई साहब सीन है भाई ला दे नंबर प्लीज। तो भाई साहब अभी अंधेरा होने का सीन हो चुका है, बस 5-10 मिनट हम लोग फोटो उठ लिए, बस बैठे हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से होटल जाएंगे अपने, और उसके बाद का क्या सीन है पता नहीं भाई, क्योंकि रेस्ट करेंगे भाई, भयानक वाला थके हुए हम लोग। मैं और मेरे दो पंटर लोग, तो भाई साहब अभी हम लोग क्या कौन सा क्या जगह भैया नहीं ये इसको अच्छा त्रिकुट पहाड़ के बगल नीचे ही है यहाँ चाय का दुकान, चाय इम्पोर्टेंट है बाबू एनर्जी के लिए, लेकिन प्रकाश भैया चाय नहीं पीते, ही इज़ वेरी एक्सपेंसिव पर्सन, ही कॉफ़ी चाहिए इनको। आप पहाड़ देख सकते हैं पीछे, और भाई साहब ये रोड है क्योंकि चौराहे पे से जहाँ इसका मेन द्वार है गेट, वहाँ से आपको मिलेगा ऑटो या फिर कोई भी सवारी जिससे आप देवघर जा सकते हैं, लेकिन ये भी पूरा अंधेरा आपको जैसा दिख रहा है हम लोग को उसे हल्का ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, बस यही
फर्क है। और ये हमारे दो लौंडे भी आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये अब आपको दो लौंडे नहीं दिख रहे होंगे, पूरा अंधेरा है। बस यही सीन है भाई। पिछले आधा घंटा से जाम में फंसे हुए। थैंक यू लाइट के लिए। भाई साहब रात का 9 बज रहा, सॉरी ज़्यादा बोल दिए 8 बज रहा है। वहाँ बासुकीनाथ में जो खाए थे वही खाए हुए हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि मतलब जाएं और सो जाएं, दोबारा आना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि खाना वाना पैक करवा के ले जाते हैं। रात का 3 बज रहा है, 3 बजे ना आपको टाइम दिखाते हैं। कन्फर्मेशन इज इम्पोर्टेंट बाबू। 2:52 हो रहा है, देख लें हमारा फेस पूरा, आपको पता चला होगा कितना थके हुए हैं हम लोग। और ये मिस्टर प्रकाश है और राजू द राइटर जो 11 बजे सोने वाला था, इसको हम लोग 11 बजे सोने नहीं दिए। देखो कल रात को हम लोग सो गए थे, ठीक है, लेकिन आज हमारे साथ अब सफर में आए हैं तो आपको रात में एक दिन तो जगना पड़ेगा, तो आज इनको जगाए हैं। लेकिन अब हम लोग को नींद आ रहा था, प्रकाश भाई बोलते हैं कि देखो तुम रात में नहीं सोने दो तो हम दिन में नहीं सोने देते हैं, तो ये नहीं सोने देंगे अब हम लोग को। तो मतलब हम लोग अब कुछ ना कुछ तो करेंगे भैया, मस्त एकदम। सोना नहीं है बाबू, सोना इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू, सोना इम्पोर्टेंट नहीं, चांदी इम्पोर्टेंट। हालांकि हम लोगों ने रूम चेंज कर लिया, ये चीज आपको बताया नहीं होंगे। भूल गए थे कि वो मतलब होटल का ही कोऑर्डिनेशन था दोनों का, वो हमारा सामान ऑटोमेटिक यहाँ आ गया था। तो हम लोग अब नया रूम में है, नए रूम में है, नए बिस्तर पे है, और 1 bed 3% इज बीच में राजू भी है, बीच में राजू भी है। ओ प्रकाश भैया स्टेटस डाला था क्या? अब देखो इसका गो करोना लगाया। हम आपको क्या बोले, देखिए हुआ क्या कि 9:30 था और राजू के लिए बोला कि भाई हमको फोटो भेजना, स्टेटस लगाना है, प्रकाश भैया को बोला, तो उसपे हम बोले कि देखो प्रकाश भैया इसके गांव का आदमी जल्दी सो जाता है और देखेगा स्टेटस, ये जल्दी से आप उसको भेज दीजिए। ये स्टेटस लगा है, तुरंत कॉल आया तो हम बोले कि देखिए प्रकाश भैया स्टेटस देख के कॉल किया। भैया का जो है वो हंसते है भाई, जस्ट लाइक अ जनरेटर एकदम। फोन स्टेटस इसीलिए लगाया है, गाली नहीं, गाली नहीं। हम अभी मोबाइल में प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करोगे तुम, जो हो गया तो हो गया, अभी शॉट हो चुका है। लूडो खेलते हैं, बंद करो फोन। हाँ रात के 3 बजे बोल रहे हैं लूडो खेलो, बताइए। बहुत बुरा हाल है, मतलब इसको क्या आप तकिया कलाम मान ले, बहुत बुरा हाल है। राजू आज एक पिक लिया है, ठीक है, ऐसे करके नहीं बोले थे हम, वापस लेते हैं, तुम्हारे पास कोई सबूत है जो हम अपना खेलेंगे वो। तो भैया यहाँ लग चुका है सट्टाबाजी, सट्टाबाजी कर रहे हैं हम लोग। बॉट कर देते क्या प्लेयर? नहीं नहीं बॉट कर ले, ठीक है, जो हारेगा वो पिलाएगा सुबह का चाय। देख लो भैया जितना पी सके वो भी है, नहीं तो दो हम पियेंगे प्रकाश भाई, ये बात है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। हेलो गाइस, ए ब्लॉग हो रहा है भाई, फट रही है भाई। है तुमको ब्याह करने जाना है? अभी देवघर में एक लड़की को देखे हैं, उसके पीछे बोले कि चलो 1 घंटे बाद चलेंगे। व्हाट इज दिस बिहेवियर, बिना मतलब का बिहेवियर। चाल चलो नहीं ठीक है, आप देखे हमको बहुत कट करना पड़ा, एडिटिंग में बहुत मेहनत पड़ता है, कसम से बता। बोलिए ऐसा की गाली गलो ये सब नहीं तो हम डाल देंगे, बोलिएगा तो ये चीज हो सकता है। बचपन से सोचा हूँ मैं आज पल वो जी रहा, कटे फटे हालात को मैं मौसकी से सी रहा, मैं पी रहा वो जाम जिसमें लफ्ज की अदायगी, जमाने भर के जहन पे असर ये जाम लाएगी, दिखाएगी हुनर से इश्क इश्क की।